Fine, Dhananjot, fine. Good evening to all of you. Good evening, all of you. आज हम लोग अपने last lecture के में हैं electricity के first chapter आज हम खत्म कर लेंगे. आपका इस week test भी है इस chapter का. Today's date is 8th of June. From next class we will be starting a new chapter. Okay. So जल्दी से देखते हैं. In class exercise question number one. किसी को doubt है क्या? अगर आपको doubt हो just raise your hand. Good evening, all of you. Just raise your hand if any doubt. Question number one. Question number one. Question number two. Question number two. Question number three. Question number three. Niharika ne hand raise kiya. Niharika, let's respond karta hun. Explain the meaning of a statement. पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 100 वॉट. ठीक है, किसी अप्लायंस का पावर अगर 100 वॉट बोल रहा है, 100 वॉट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी consumed by device, consumed per second. Clear? 100 watt का मतलब है कि एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. Is this clear to all of you? क्या ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर थ्री, इज इट क्लियर? पिंकी, डाउट है क्या अभी भी? Okay, let's move forward. Question number four. Rating के बारे में बात कर रहा है. अगर 250 volt होगा तो 100 watt power produce होगा. Question number four में. Question number six. Pinky ने hand raise किया है. Question number six में. How much time will 100 watt consume energy of 2 kilowatt per hour? Kilowatt hour. गौर से देखिए, आपका पावर दिया गया है 100 watt और आपकी एनर्जी दी गई है 2 kilowatt hour. बेटर होगा इसको 2000 वॉट आवर लिख देते हैं, यूनिट दोनों में वॉट ही हो जाए. याद रखिए, पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू होता है एनर्जी. तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एनर्जी बाय पावर कितना हो जाएगा? 2000 बाय 100 कितना हो जाएगा? 20 आवर्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 20 आवर्स. क्लियर है निहारिका? सही है. Is this clear? 20 hours. Question number seven. Fuse. घर में सब लोगों ने घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा है क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मान लीजिए हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में. तो घर के अंदर जो हमारी हमारा जो लाइन आता है उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं. ठीक है, घर में जो लाइन आ रहा है उसके बीच में एक जगह हम लोग क्या लगा देते हैं? सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं. ये इसको कहते हैं फ्यूज वायर. ठीक, और इस पूरे डिवाइस को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज. क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस है. क्या होता है कि मान लीजिए घर में आप बहुत ज्यादा अप्लायंसेज यूज करने लगे,
इवन लिमिट से ज्यादा अप्लायंसेस यूज करने लगे, तो उस वक्त आपका करंट भी सर्किट में इंक्रीज करने लगता है। और अगर करंट इंक्रीज करेगा तो हो सकता है कि वो आग लग जाए किसी जगह पर। तो उससे बचाने के लिए हम लोग एक फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज की खासियत क्या होती है कि एक फ्यूज वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टिविटी तो हाई होता है, हाई रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, बट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये जैसे ही हीट को गेन करता है, थोड़ा सा करंट पास करेगा, ज्यादा करंट पास करेगा तो हीट जनरेट होगा और हीट को गेन करके वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्यूज वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बाकी के वायर से। तो मान लीजिए जैसे ही आपका 10 एम्पियर का लिमिट है और 11 एम्पियर जाएगा, वैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, सर्किट आपका टूट जाएगा और बाहर से करंट का फ्लो रुक जाएगा। हमें, हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद है कि जैसे ही करंट ओवरलोड हो वैसे ही कोई डिवाइस लगा दें जो करंट के फ्लो को रोक दे। तो ये फ्यूज क्या करता है, कभी सुना फ्यूज जल गया, देखा है फ्यूज जल गया, तो लोग क्या करते हैं, फ्यूज जल क्यों जाता है, जब आपका करंट का लिमिट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू डिजायर्ड लिमिट, उस केस में आप देखते हो कि आपका फ्यूज वायर जल जाता है। इज इट क्लियर? क्या फ्यूज वायर जो ग्रीन कलर का मैं शो कर रहा हूं, ये वायर जो होता है वो रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, हीटिंग बहुत हाई होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जल्दी ही क्या हो जाता है, जल्दी ही हीट गेन करके वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। इसीलिए घर में हमें ओवरलोडिंग के केस में बचाता है फ्यूज, घर में वरना आग लग सकती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अंकित ने बिल्कुल सही कहा कि सर अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं फ्यूज के जगह, MCB, ठीक है, हम लोग MCB यूज करते हैं अब फ्यूज के जगह, बट स्टिल फ्यूज पे अभी भी मोस्टली डिवाइसेस में हर जगह हम लोग फ्यूज ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है क्या, निहारिका ने पूछा है, निहारिका, दिव्यांशु, निहारिका क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में? मैं कह रहा हूं कि आपके पास सबसे पहला क्या है, आपके पास डिवाइस है, आपके पास क्या है, डिवाइस है, उसके बाद उसका पावर है, उसका टाइम ऑफ कंजम्पशन है, उसके बाद उसका नंबर भी दे देते हैं एन है, उसके बाद टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है। क्लियर है? जल्दी देख लेते हैं, डिवाइस क्या है, रेफ्रिजरेटर, अगला क्या है, फैंस, उसके बाद क्या है, ट्यूब्स, पावर कितना है, 400 वॉट, टेबल बनाइए सीधा सीधा, 80 वॉट, 18 वॉट, क्लियर है? उसके बाद टाइम, टाइम कितना हो रहा है, 10 आवर्स, 6 आवर, 6 आवर, नंबर क्या है, रेफ्रिजरेटर 1 है, फैन 2 है, ये कितना है, 6 ट्यूब है, एनर्जी कितना, सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 वॉट आवर, यानी कितना हो जाएगा, 4 किलोवाट आवर, ये कितना रहा, 960 वॉट आवर, कितना हो जाएगा फैन का, 0.96 किलोवाट आवर। अगला 18, टाइम कितना है 6, और अगला क्या है, नंबर्स कितना है 6, कितना हो जा रहा है, 18 into 36, 324, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 628 वॉट आवर, 0.628 किलोवाट आवर, 648, 324 का डबल होगा ना, 648, बिल्कुल सही है। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा एक दिन का, हम जून के, हम पहले डे का बात कर रहे हैं, मंथ का नहीं की निकाल रहे हैं, निहारिका मैंने बोला टोटल एनर्जी जोड़ देते हैं, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 0.96 प्लस 0.648 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 4.96, 5.
6.08. अगर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड को अब हम लोग अगर मंथली कंजम्पशन निकाले फॉर मंथ निकाल लेंगे फॉर मंथ निकाल लें हम लोग तो मंथ के लिए कितना होगा टोटल 5.608 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा टोटल कॉस्ट नहीं निकालेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी कंजम्पशन इंटू प्राइस प्राइस कितना है 3 रुपीज है क्या बोलिए कैलकुलेट नहीं हो जाएगा एक दिन का निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो पूरे मंथ का निकल जाएगा फिर कॉस्ट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इट क्लियर क्या दिव्यांशु निहारिका क्लियर है लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ओके लेट्स मूव एंड क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 मैंने टोटल नहीं किया था निहारिका मैंने टोटल नहीं किया था समझा नहीं जोड़ना पड़ेगा निहारिका उसमें आपको आपको तरीका बता दिया है क्वेश्चन नंबर टू निहारिका आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ रुक जाओ बच्चों एक सेकंड निहारिका टोटल मैंने टोटल तो किया है ना 4+0.96+0.648 ये एक दिन का टोटल कंजम्पशन निकाला है ना निहारिका अब उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे मंथ का टोटल कंजम्पशन नहीं आ जाएगा निहारिका इज इट क्लियर So you are not able to, I think, get what I am saying. Question number three. Niharika, मैं आपको unmute कर रहा हूँ. You are just what? क्या आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ. Niharika बोलिए. बताओ क्या मैंने Yes, sir. So, last week total भी तो किया जाता है जैसे कि 4 यूनिट आया तो लास्ट में उसे टोटल किया जाता तो 40 आता है ना क्यों सर आप जो क्वेश्चन पहले कराए थे उसमें तो ऐसे ही किए थे कहाँ किए थे 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपने इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया तो यूनिट से आ चुका है ना फिर टोटल तीनों इसने पूरे किलोवाट कंज्यूम किया इसने 0.96 हमने टोटल कंजम्पशन जोड़ लिया ये तो है टोटल कंजम्पशन दिन का ये वन डे का ये कंजम्पशन टोटल कितना है वन डे का है 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें यानी आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉजिक फॉर इट प्राइस दिया हुआ था तब करते 10 से मैंने वहां 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहां पे प्राइस दिया होगा 10 रुपीज मैंने एक दिन का टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाला एक मंथ के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल कॉस्ट के लिए जितना भी एनर्जी आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या कॉस्ट दिया हुआ है 3 रुपीज पर यूनिट क्लियर क्या यस नंबर 3 एनीवन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 दिव्यांशु हैंड रेज किया क्या दिव्यांशु ओके तो करंट दिया हुआ है 3 में 0.2 एम्पियर वोल्टेज दिया हुआ है 15 वोल्ट पावर कितना होगा पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी इंटू आई हो जाएगा कितना हो गया 0.2 इंटू 15 कितना हो गया 3 वॉट हो गया इज इट क्लियर आगे बढ़ते हैं Question number four. Question number five.
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में कोई डाउट नहीं है दिव्यांशु, सिक्स कैसे? पिंकी काफी लोगों ने डाउट किया, सिक्स चलिए देखते हैं। याद रखिए कभी किसी बल्ब की रेटिंग दे दी गई है, रेटिंग का मतलब 220 वोल्ट है और 100 वोल्ट पावर है, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट जब दोगे तो 100 वाट पावर मिलेगा, क्लियर है? तो आपको पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा जब 110 वाट पे 110 वाट ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो मैं करूंगा कि बल्ब का रेजिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। किसी भी डिवाइस का रेटिंग दिया होता है तो उसे सबसे पहला चीज हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आएगा वी स्क्वायर बाई पी, यानी 220 का होल स्क्वायर अपॉन पी 100, कितना हो गया 484 00 by 100, गया कितना हो गया 484 ओम। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट है, मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो 484 ओम है, तो करंट तो कितना होगा, पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं, पावर क्या लगा सकते हैं, वी और आर पता है, तो पावर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा 110 × 110 बाय आर, कितना होगा 484, 22 5 जा, ये भी 5 जा, कितना हो गया 25 वॉट, पावर कितना हो गया 25 वॉट। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? रेटिंग से आप सबसे बड़ा चीज निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, फिर जिस वोल्ट पे पूछ रहा है पावर निकाल लो। इज इट क्लियर पिंकी निहारिका? क्लियर है क्या निहारिका? ग्रेट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क, बताइए ये हुआ था क्या, लास्ट क्वेश्चन डाउट है क्या, रेज योर हैंड, अगम्य हुआ था क्या क्वेश्चन, इस वीकेंड में आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, निहारिका ने हैंड रेस किया, निहारिका 40 वॉट है, निहारिका 40 वॉट का बल्ब है, 12.5 आवर्स रोज हर दिन रन कर रहे हैं, इनटू 30 डेज, ठीक है, इनटू 30 डेज कितना हो जाएगा, वॉट इनटू आवर कितना हो जाएगा 1200 इनटू 12.5 वॉट आवर, मुझे अगर किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा इंटू 12.5 बाई 1000 किलो वॉट आवर, कितना हो जाएगा 00 कैंसिल हो जाएगा, हम कह सकते हैं 12.5 इंटू 1.2 किलो वॉट आवर, सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये 12.5 इंटू 1.2 कितना आएगा, ये आएगा 15 किलोवाट आवर। इज इट क्लियर? क्या कह सकते हैं 15 यूनिट्स, इज दिस क्लियर? करेक्ट आंसर वुड बी 15 यूनिट्स, ठीक है, टोटल हमने एनर्जी कंज्यूम निकाल लिया है, टोटल एनर्जी कंज्यूम मंथ का, एक दिन का एनर्जी कंज्यूम अगर निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, एक दिन का इंटू 30 तो पूरे 30 दिनों का, इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर है, आर यू रेडी फॉर कहूत, एक बार कहूत के थ्रू पूरे चैप्टर का रिविजन कर लेते हैं और चैप्टर वुड एंड, ठीक है, तो एवरीवन गेट रेडी विद योर कहूत, मैं कहूत स्टार्ट करता हूं, हम लोग एक चैप्टर का पूरा रिविजन कहूत से करने की कोशिश करेंगे,
I'm sharing my screen. Get ready, 24 questions. Everyone join quickly. Join within a minute. पूरे chapter का revision होगा इससे. To join, मैं रुका हुआ हूँ. Still many people persons to join. It will take time. Pink थोड़ा slow है आज. I'm waiting. Don't worry. Still many to join. So last 30 seconds, everyone join quickly. Divyanshu, numericals नहीं होगा कम. Numerical आपने काफी numerical एक बार revise कर लो. Class मैंने काफी तक करा दी है. आप लोग numericals के लिए आप S Chand book use कर सकते हो practice, further practice के लिए. Exam है, आपको कोई भी doubt होता है exam को लेकर के, test topic को लेकर के, आप just go ahead and ask your question on chat. Chat पे मुझे personally मेरे को पूछ सकते हो. ठीक है, will there still 3 to 4 days left? तो आप मेरे अपने doubts clear कर लेना. ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू पर आई टेकिंग टू लॉन्ग टाइम. ओके चलिए वी आर स्टार्टिंग द सेशन. आज इतना. आज मैंने पहले ही बोला था कि आज हम कहूत करेंगे और कहूत के अलावा हम लोग आज होमवर्क डिस्कशन करेंगे. दो ही काम था आज मेजर हमारा फिजिक्स में. एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली. सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी. Simple question. Respond quickly. Very good. 10 people have already responded. 12. Last 10 seconds. The instrument which is used to measure electric current. Electric current किससे measure करते हैं? ठीक है अंकित. Respond नहीं कर पा रहे हो क्या? Very good. 10 out of 30 people have responded clearly. Very good. We have 959 points. Yuraj. Okay, move forward. Next. अगर हैंग हो रहा है चैट पे रिप्लाई करो. आज कहूत में प्रॉब्लम्स आ रही है, हमेशा की तरह नहीं है. चैट पे रिप्लाई करो अगर नहीं हो पा रहा है तो. Very good. We have got 10 response already. Very good. 12 people have replied correctly. Resistance ka unit kya hoga? Ohm. Very good. Akash, very good. Next question.
try this question. Potential difference is directly proportional to करंट. ये तो ओम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट था. रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The obstruction offered by a material of conductor to the passage of current is known as. सब लोग अब ट्राई करो. कहूत ज्वाइन भी हो जाएगा बिकॉज कहूत अब ओपन हो रहा है ठीक से. नेटवर्क लैग नहीं है अब कहूत में. नेक्स्ट डे से नया चैप्टर शुरू होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. Six people have replied correctly. Moving ahead. True or false? Resistance depends on the nature of material. Resistance depends on the nature of material. Bataiye. People have responded correctly. बिल्कुल डिपेंड करता है. रेजिस्टिविटी पे जब डिपेंड करता है तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा. तनजोत वेरी गुड. बिल्कुल सही अंकित. फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड. फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर इज कॉल्ड. वेरी गुड. करेंट. मेजोरिटी ऑफ यू रिस्पॉन्डेड करेक्टली. नेक्स्ट. True or false? Continuous and closed path of an electric circuit is called. Very good. Next question. आंसर टाइप करना है. ध्यान से टाइप करना. आंसर टाइप करना है. थोड़ा भी गलत हुआ नहीं लेगा आंसर. लोगों ने करंट एमीटर लिखा है. ओनली सिर्फ चार लोगों ने ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिखा है जो कि होगा कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है. करंट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवीजन करने की जरूरत है एग्जाम के पहले. बहुत बुरा हालत है. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. People have responded correctly. Next question. Dash is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. Dash is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं. वन एम्पियर इज द करेक्ट आंसर.
वेरी गुड राहुल, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल और बल्ब के बीच कौन कंडक्टिंग लिंक बनता है? स्विच. स्विच कौन करते हैं तो क्या हो जाता है? फ्लो करने लगता है करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ 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 क्विज कर चुके हैं इस क्वेश्चन से. I equals to क्या होगा? I equals to होगा Q by T. सिर्फ एक बंदे ने सही दिया. ये टाइप करने वाले में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें. True or false? True or false? Good. 11 people have responded correctly. Very good, Akash. True or false? Very good. Very quick reply. Excellent. Excellent. Everyone responding correctly. Good, Devesh. True or false? Ammeter is always connected in series in the electric circuit. One more person to go. Ten people after 14 have replied correctly. Very good. 16th question. When cell is connected to a conducting circuit element, the dash sets the charges in motion in the conductor. Conductor के अंदर charges के motion में कौन से विशिष्ट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं. बराज, वेरी गुड. ट्रू और फॉल्स? थर्टीन पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली. Very good. Three people above 10,000. Akash, Rahul and Faraz. Answer type karna hai. Potential difference between two points equal to. Last 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
काफी सारे करेक्ट आंसर्स थे बट किसी का भी पॉइंट नहीं मिला किसी को. वर्क डन अपॉन चार्ज टाइप योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड. पोटेंशियल डिफरेंस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? Got 11 correct replies. 11 replies, sir. Last 6 seconds. Done. Ten people have written voltmeter. Very good. Go ahead. Next question. Ammeter can also measure potential. It's galat hai. Very good. Here we have last 4 questions. The SI unit of resistivity is SI unit of resistivity is ohm meter. 8 people have only replied correctly. Rahul, moving ahead. Question the answer. On reducing the thickness of a metallic wire, याद रखिएगा थिकनेस ऑफ मेटेलिक वायर को अगर रिड्यूस करेंगे तो एरिया भी रिड्यूस होगा. अगर एरिया रिड्यूस होगा तो R equals to rho L by A रिड्यूस करेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ द करंट विल बिकम. Two or three to go. Okay. Only 2 people have responded correctly. Potential difference को अगर constant रखते हैं, V constant है तो V equals to क्या होता है? I into R. तो अगर resistance को half करेंगे, simple सी बात है, V अगर constant है तो I into R constant है. अगर I into R constant है, तो अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा. R अगर घटेगा तो I बढ़ेगा. तो R is half, तो I is doubled हो जाएगा. Clear? Next question. This is the last question of Kahoot. The resistance whose VI graph is given below. VI graph given below. Last time, time up. 6 people have replied correctly. Graph se dekhna tha. The scorecard. Kanna third.
Here is the list. ठीक है, तो होप आप लोगों को इस चैप्टर का एक रिवीजन हो गया होगा, शॉर्ट रिवीजन. आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही टास्क था आप लोग के लिए. चैप्टर को रिवाइज करें, कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पिंग करें, कॉन्टेक्ट करें और डाउट्स को क्लियर करें. चैप्टर आज खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी. अगले दिन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे. टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करें. कोई बात नहीं अंकित, कोई बात नहीं. यू ऑल ट्राइड वेल, कोई नहीं. होप कि आप इससे फायदे होंगे आपको और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें आप लोग. बिल्कुल सही है, नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. आप अपने करंट चैप्टर की प्रिपरेशन करें. आज क्लास छोटा था, एग्जाम भी चल रहा है, प्रिपेयर वेल. इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी एग्जाम में भी आ रहा होगा, यहाँ भी आएगा, तो प्रिपेयर फॉर इट. ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे. मैंने कहीं कोई डाउट हो जस्ट जस्ट पुट सेंड मी क्वेश्चंस, विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड. ओके, हैव अ नाइस डे.